तैयार करने के बाद ऐसे छोटे से बोतल में डालते हैं तो ना हवा लगती है ना धूल उसमें लगती है, धूल भी नहीं लगता और हवा भी नहीं लगता, कीटाणु भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करते, इसलिए इंजेक्शन में डिस्टिल वाटर जो होते हैं छोटे छोटे कांच के बोतल होते हैं। लेकिन उसमें मैं डिस्टिल वाटर की बात जो है इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसके अंदर ऐसा सील है कि हवा भी नहीं जाता, कीटाणु भी नहीं जाता, रोगाणु भी नहीं जाता, लेकिन ये शुद्ध है और शुद्ध दशा को बनाए रखा। इसी प्रकार कभी भी हमारी श्रद्धा हमने किया है मुझे मोक्ष चाहिए, ये श्रद्धा को बनाए रखने के लिए हमको ऐसा डिस्टिल वाटर के जैसे कवच पहनना पड़ेगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए एकमात्र मोक्ष। और दूसरे हवा लग सकती है, नहीं लगे ऐसी बात नहीं है, हवा लग सकती है, प्रभाव भी हो सकता है, परिस्थिति भी बन सकती है, लेकिन जो है ना स्वर्ग जाते हैं तो भी हम वहां बैठ करके कोई जीव वहां क्या करते हैं, वहां स्वर्ग में वो विलास के लिए नहीं जाते, लेकिन स्वर्ग प्राप्त करने के बाद देवगति प्राप्त करने के बाद समोषण में जाते हैं, जहां विदेह क्षेत्र में कितने तीर्थंकर के समोषण है 20 तीर्थंकर, और कुल मध्यम लोक में कितने तीर्थंकर है 24 तीर्थंकर, 720 तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा होते हैं, सब देवगति पर्याय में जाने के बाद सब जगह दर्शन के लिए जाते हैं, अष्टनंदीश्वर द्वीप जाते हैं, पंचमेरु जाते हैं और समोषण में जाकर बैठ जाते हैं। तो देवगति मिलने के बाद भी ध्येय नहीं बदला, क्या बदला, केवल एक मात्र पर्याय बदला, लेकिन श्रद्धा नहीं बदली, दर्शन विशुद्धि वही है कि जो देव पर्याय में भी मुझे केवल एक मात्र मोक्ष चाहिए। आप रोज अर्घ चढ़ाते हैं, अभी भी अर्घ चढ़ाते हैं।